और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, कानपुर में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। वन विभाग में अदृश्य ठेकेदार मामले में डीएम ने संज्ञान लिया। जिलाधिकारी ने डीएफओ से मौके पर जाकर जांच के लिए कहा और इसके बाद डीएफओ श्रद्धा यादव से अदृश्य ठेकेदारों को सामने लाने को कहा गया। खबर चलाने के बाद बिक्रगाज की टेंडर प्रक्रिया भी निरस्त कर दी गई। जियो टैगिंग कराते हुए भविष्य में इस काम का बजट किसी भी ठेकेदार को नहीं देने की भी यहां पर हिदायत दी गई है। आपको बता दें कि एबीपी गंगा ने बिक्रगाज के अदृश्य ठेकेदार की खबर दिखाई थी, जिसमें ककवन ब्लॉक के मनावा गांव गार्ड किसने बनाए ये किसी को भी पता नहीं। आशंका है कि 2 करोड़ रुपए के टेंडर को लेकर वन विभाग में मिलीभगत का खेल चल रहा था। हालांकि खबर चलने के बाद टेंडर प्रक्रिया को निरस्त किया गया, तो एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया और इस खबर को दिखाने के बाद बड़ा असर भी वहां पर हुआ है। पूरा मामला क्या है, एक बार फिर से आपको जरा ये समझा देते हैं। दरअसल बिना टेंडर बिक्रगाड का निर्माण यहां पर किया गया था और इसी को एबीपी गंगा ने प्रमुखता के साथ दिखाया। बिल्हौर तहसील में 100 से ज्यादा बिक्रगाड बनाए गए, बिना वर्क ऑर्डर के बिक्रगाड का निर्माण यहां पर हुआ और इसी को लेकर यहां पे इसके बाद बड़े सवाल भी खड़े हुए। बिक्रगाड के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल भी यहां पर हुआ। जांच में ये बात सामने आई, वन विभाग की टेंडर प्रक्रिया को अब निरस्त कर दिया गया है। एबीपी गंगा पर यह खबर दिखाने के बाद ये बड़ा असर यहां पर हुआ है, इस पूरी प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया गया। डीएफओ मौके पर जाकर इस पूरी बात यहां पर जांच करने के लिए उनकी तरफ से कहा गया है। वन विभाग में अदृश्य ठेकेदार मामले में एक्शन में अब डीएम यहां पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे तमाम अधिकारियों से कह दिया है मौके पर पहुंचे और जांच भी करें, इस बात को साफ उनकी तरफ से कर दिया गया है। एबीपी गंगा पर इस खबर को दिखाया गया, इसके बाद ये बड़ा असर यहां पर हुआ है क्योंकि बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई थी और जिस तरीके से निर्माण यहां पर किया गया था इसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ था, ये बातें भी सामने आई। क्षेत्रीय वन अधिकारी अनुज सक्सेना ने इस पे रोक अब यहां पर लगा दी है। अब तक क्या कुछ हुआ है ये पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 100 से ज्यादा बिक्रगाड यहां पर बना दिए गए और अब इसी पर कार्रवाई अभियान की जा रही है। बिक्रगाड किसने बनाए इसको लेकर भी यहां बड़े सवाल अभी खड़े हो रहे हैं, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है इतनी बड़ी लापरवाही के पीछे। तो खबर दिखाने के बाद ये बड़ा असर यहां पर हुआ है कि डीएम ने इस पूरे मामले पर अब एक्शन लिया है, संज्ञान ले लिया है, इस टेंडर प्रक्रिया को भी निरस्त यहां पर कर दिया गया। वन विभाग में अदृश्य ठेकेदार मामले में एक्शन में डीएम अब नजर आ रहे हैं, तो खबर का बड़ा असर यहां पर हुआ है। एबीपी गंगा की टीम जो कि मौके पर पहुंची और वहां से पूरी रिपोर्ट दिखाई गई, इसके बाद ये बड़ा असर कि डीएम ने एक्शन अब यहां पर ले लिया, इस पूरे मामले में टेंडर प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है। और आईपीएल का कल से आगाज हो गया है। लखनऊ में आज आईपीएल का मैच खेला जाएगा, इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा आईपीएल का मैच। तो शाम 7 बजे इकाना स्टेडियम में ये मैच होने वाला है। लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होने वाला है। कल ही आईपीएल का आगाज हुआ था, पहला मैच था और आज आईपीएल का दूसरा मैच है जो कि इकाना स्टेडियम में खेले जाने वाला है। आपको बता दें कि शाम 7 बजे इकाना स्टेडियम में ये मैच होगा, लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में ये मुकाबला होने वाला है। तो आईपीएल का ये दूसरा मैच होने वाला है, लखनऊ में आज ये खेले जाने वाला है। शाम 7 बजे इस मैच का आगाज हो जाएगा। कल ही आईपीएल की शुरुआत हुई थी, आगाज हुआ था और आज उसी कड़ी में ये दूसरा मैच होने वाला है जो कि लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होने वाला है। शाम 7 बजे इस मैच की शुरुआत होने वाली है। लखनऊ सुपर जायंट्स टीम और दिल्ली कैपिटल्स टीम के बीच अहम मुकाबला आज होने वाला है, दूसरा मैच होगा। देखना होगा कि आगे जाकर ये टीम्स कैसा परफॉर्म करने वाली है। तो शाम 7 बजे ये मैच होने वाला है, इकाना स्टेडियम जो कि लखनऊ में स्थित है उसमें ये मैच होगा। आपको बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स दिल्ली कैपिटल्स के बीच में ये मुकाबला होने वाला है, बेहद इंटरेस्टिंग ये मैच होने वाला है। शाम 7 बजे ये मैच की शुरुआत होगी, दूसरा मैच है आज आईपीएल का। कल ही पहला मैच हुआ था, आईपीएल की शुरुआत हुई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।